आज हम लोग बात करेंगे रविवार के दिन किए जाने वाले टोटके जो आपका भाग्य चमका सकते हैं, आपको दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं, ऐसे कुछ उपायों के बारे में। रविवार का दिन सूर्य देवता की पूजा आराधना के लिए, साधना के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। आज मैं आपको सूर्य देवता से संबंधित कुछ विशेष उपाय और टोटके बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को प्रयोग में लाने से, इन टोटकों का प्रयोग करने से बल, बुद्धि, विद्या, वैभव, तेज और ओज के साथ साथ सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पराक्रम की भी वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं ये बहुत ही सरल किंतु बहुत ही चमत्कारी टोटके। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, साफ पानी भर लीजिए, अक्षत, कुमकुम, गुड़ और फूल डाल करके सूर्य भगवान को आप अर्घ दें। जल चढ़ाते समय सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रचलित मंत्र तो सूर्य देवता को जल देने के लिए गायत्री मंत्र है, लेकिन फिर भी ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः आदि मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से धन, वैभव और यश में वृद्धि होती है। रविवार को गाय के घी का दीपक जलाएं अपने घर के पूजा स्थान में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रविवार के दिन बड़ के पत्ते पर मनोकामना लिख करके बहते हुए जल में प्रवाहित करने से आपके हर प्रकार के मनोरथ यानी सभी तरीके की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रविवार को तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और माणिक्य रत्न, लाल चंदन, इनमें से किसी भी चीज का या इन सभी चीजों का एक साथ दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। ऐसा दान करने से सूर्य देवता की कृपा जातक को प्राप्त होती है। रविवार के दिन बाजार से 3 झाड़ू आप खरीद करके लाएं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाने के बाद अपने घर के आसपास किसी मंदिर में ये तीनों झाड़ू जो है आप रख करके आ जाएं, यानी आपको झाड़ू का दान करना है। ध्यान रखें, झाड़ू मंदिर में रखते समय कोई आपको देखे नहीं और अगर कोई देखता भी है तो वो आपको टोके नहीं। आदित्य हृदय स्रोत का नियमित रूप से पाठ करना सूर्य देवता की कृपा बहुत ही आसानी से और बहुत ही चमत्कारी रूप से सरलता से दिला सकता है। तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नियमित रूप से करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अगर आप नियमित रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रविवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए।